how are you doing? Today we are going to start with another chapter from your English book. We are studying the Brain Root series and the name of our book is Grammar Glitter Odyssey of Class 6th. आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर और हमारे चैप्टर का नाम है Nouns Gender. हमने nouns उसके kinds पढ़ लिए, nouns number पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? Nouns Gender. Okay? Let's see what we have in this chapter. First we have gender. It refers to the socially constructed characteristics of men and women. Gender क्या है? Men और women. जो भी characteristics उन दोनों men और women को differ करती हैं, वो particularly उनका gender बनाती हैं. Okay? Let's see kinds of genders. Masculine, feminine, common and neuter. सबसे पहले हमारे पास क्या है? Masculine gender. मैस्कुलिन जेंडर हम हमेशा एक मेल को रेफर करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे बॉय, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, डॉग, हॉर्स, ये सारे हमारे मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं जब हम किसी मेल कैटेगरी को, राइट, मेल मतलब बॉयज़ वाली कैटेगरी, सो जब हम मेल कैटेगरी को रेफर करते हैं तो हम मैस्कुलिन जेंडर यूज़ करते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल, दे हैव गिवन फादर, ग्रैंडफादर, डॉग, हॉर्स. ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर को हम किस प्रीफिक्स के साथ यूज़ करते हैं? ही के साथ. सो हमेशा मेल्स के लिए ही यूज़ होता है और फीमेल्स के लिए शी, ये बात आपको पता होगी. सो यहाँ पे हमें क्या बता रखा है कि मैस्कुलिन जेंडर को हम इंडिकेट किस प्रीफिक्स के साथ करते हैं? ही के साथ. ओके, नाउ वी हैव अ टास्क, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द मैस्कुलिन जेंडर. आपको इसके अंदर क्या करना है? मैस्कुलिन जेंडर को अंडरलाइन करना है. लेट्स डू इट, दिस इज़ वेरी इजी. He is my elder brother. क्योंकि brother एक masculine gender है तो हमने underline कर दिया. That boy is my nephew. Okay? So, nephew is a masculine gender and boy also. The lion roars loudly. Lion is masculine gender. The king lost his diamond ring. The king. Okay? The waiter welcomed the priestess. The waiter. Masculine. Now, his uncle and aunt lived in the USA. Uncle will be your masculine. तो आपको समझ आ गया होगा, brother, nephew, boy, lion, king, waiter, uncle, ये सारे हमारे masculine genders हैं जो हम males के लिए use करते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं हम. ठीक है, second type of gender जो हमारे पास आता है वो है feminine gender. Feminine gender basically हम किसके लिए use करते हैं? Yes. फेमिनिन जेंडर हम फीमेल्स के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मदर, ग्रैंड मदर, बिच, मेयर, एक्सेट्रा. ओके, सो ऑल दीज वर्ड्स आर योर फेमिनिन जेंडर. ओके, सो व्हेन वी रेफर टू अ फीमेल, जब हम किसी फीमेल की बात करते हैं तो हम मैस्कुलिन जेंडर यूज़ नहीं करते हैं, हम फेमिनिन जेंडर यूज़ करते हैं. सी, और यहाँ पे क्या दे रखा है इंटरप्रिटेशन में, कि हमेशा हम एक फेमिनिन जेंडर को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं? एस एच ई, शी. वेरी गुड. नाउ वी हैव अ टास्क, इसके अंदर भी हमें वही करना है. फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन गिवन एंड वी हैव टू अंडरलाइन फेमिनिन जेंडर. हमें फेमिनिन जेंडर को अंडरलाइन करना है जो किसी फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है. माई मदर और माई मॉम कुक्स गुड फूड. सो मॉम विल बी योर फेमिनिन जेंडर. वी फाउंड अ डक इन द पॉन्ड. सो Duck will be your feminine gender. Many women were present for the seminar yesterday. So, women will be your, yes, feminine gender. Nathan told us that he saw a peahen on the terrace. So, peahen. Okay, great. Peacock is male, peahen is female. I hope it's clear. She always made sure to plan something for my birthday. Okay. So, she is your feminine gender. Next, the Duchess is known for her stunned out looks. So, Duchess is your what? Feminine gender. So, I hope this is clear. We'll move on now to the examples. जिसके अंदर हम बिल्कुल entirely new words use करते हैं या क्या add करते हैं. जैसे हमने last chapter में पढ़ा था, वैसे ही कुछ अब हम अब पढ़ेंगे. We are studying द वेज, कि हम किन किन तरीकों से फेमिनिन और मैस्कुलिन जेंडर को लिख सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं. देखिए, अब कुछ ऐसे होते हैं जब हम बिल्कुल नए वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, ये कॉलम है हस्बैंड का,
वाइफ, एकदम नया वर्ड. बक डो, बैचलर स्पिनस्टर. सेलियन मेयर. विजर्ड विच. नेफ्यू नीज. मॉन्क नन. स्टैग हैंड. ओके, सो ये सारे वर्ड्स आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए एंड यू हैव टू लर्न द फेमिनिन ऑफ ईच ऑफ द मैस्कुलिन एंड वाइस वर्सा. ओके, अब सेकेंड वाला देखेंगे बाय एडिंग ई एस एस. अब कुछ में हम क्या करते हैं, हम ई एस एस अगर ऐड कर देते हैं तो फेमिनिन नाउन बन जाता है. कैसे, जैसे लायन है, इसका लायनेस कैसे बना, हमने एन के बाद ई डबल एस को ऐड कर दिया. और काउंट काउंटेस. शेपर्ड शेपर्डेस. हायर हायरेस. प्रीस्ट प्रीस्टेस. ऑथर ऑथरेस. देखिए इन वर्ड्स में हमने क्या किया, ई डबल एस को ऐड कर दिया. बाय एडिंग ई डबल एफ आफ्टर ड्रॉपिंग द वोवल ऑफ द मैस्कुलिन एंडिंग. तो फॉर एग्जांपल टाइगर है, ठीक है, तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे फेमिनिन में, टाइग्रेस बनाने के लिए आप ये जो लास्ट वर्ड है उसके साइड वाला जो वोवल है उसे हटा के ई डबल एस ऐड कर देंगे. तो आप देख सकते हैं स्पेलिंग में डिफरेंस, टाइग्रेस. वेटर वेटरेस. गवर्नर गवर्नेस. देखिए हमने ओ हटा दिया है और हमने एन ई डबल एस डायरेक्टली ऐड कर दिया, ई डबल एस. फाउंडर फाउंड्रेस. एम्परर एम्प्रेस. एक्टर एक्ट्रेस. सो आई होप दिस इज क्लियर. द फोर्थ वन इज बाय चेंजिंग द पार्ट ऑफ अ नाउन. जैसे मेन होता है हमारा मैन का, आपको पता होगा जैसे हम लास्ट में पढ़ रहे थे मैन का मेन, अब हम इसे फेमिनिन और मैस्कुलिन जेंडर्स के हिसाब से पढ़ेंगे. जैसे मिल्क मैन का क्या होगा, मिल्क मेड. हम नाउन को चेंज कर देते हैं, वॉशर मैन वॉशर वुमैन, या फिर इन प्रोनाउंसिएशन वी से वॉशर वुमेन. स्टेप सन स्टेप डॉटर. पिकॉक पिहन. लैंडलॉर्ड लैंड लेडी. मैन सर्वेंट क्या होगा इसका, यस मेड सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट नहीं, मेड सर्वेंट. यू हैव टू रिमेंबर. नाउ नेक्स्ट वी हैव सम अदर इम्पॉर्टेंट मैस्कुलिन एंड फेमिनिन फॉर्म्स. ये कुछ और इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई रूल नहीं है, आपको डायरेक्टली लर्न करने हैं. हीरो हीरोइन. लैड लैस. ब्राइड ग्रूम ब्राइड. विडोअर विडो. मिस्टर मिसेस. किजार किजारना. ओके, सो नाउ वी हैव द सी एक्सरसाइज. इन दिस यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू चेंज द जेंडर ऑफ द नाउन्स. आपको जेंडर चेंज करना है, कुछ में आपको मैस्कुलिन से फेमिनिन करना है एंड कुछ में फेमिनिन से मैस्कुलिन करना है. देखते हैं, सम ऑफ देम आई विल गिव यू एज योर होमवर्क एंड सम यू हैव टू डू विद मी. ओके, सो आई हैव डन सम ऑफ देम फॉर यू एंड द रेस्ट आर योर होमवर्क, बिकॉज आई वॉन्ट कि आप भी खुद ट्राई करिए और फाइंड आउट करिए. ठीक है, जो मैंने आपके लिए करे हैं मैं आपको वो सब डिस्कस करेंगे हम एंड द रेस्ट ऑफ देम आई विल टेल यू. एक्ट्रेस एक्टर. बिच डॉग. एम्परर एम्प्रेस. हॉस्टेस होस्ट. प्रिंस प्रिंसेस. पोएटेस पोएट. मैंने आपको बताया कुछ में आपको मैस्कुलिन से फेमिनिन करना है एंड कुछ में फेमिनिन से मैस्कुलिन करना है. लैंडलॉर्ड लैंडलेडी. ब्राइड ब्राइड ग्रूम. किंग क्वीन. नेक्स्ट फॉर आयर होमवर्क. वेट्रेस वेटर. हीरो हीरोइन. पिहन पिकॉक. नेफ्यू नीस. वाइफ हस्बैंड. डियर डियरेस. गॉड गॉडेस. टाइग्रेस टाइगर. ठीक है, तो ये सारे हमारे जेंडर्स चेंज हो गए. नेक्स्ट द थर्ड टाइप ऑफ जेंडर दैट वी हैव इज कॉमन जेंडर. Noun is said to be in common gender if it refers to both male and female. Common gender कब होगा, जब हम दोनों males और females दोनों की बात करेंगे. जैसे doctor, अगर मैं generally आपको बोलूँ doctor, I am going to the doctor. So the doctor male भी हो सकता है, doctor और female भी. So doctor एक common gender है. जैसे children, children, अब male children भी हो सकते हैं and female also. Boys can also be there, girls can also be there. Family, doctor, ये सारे हमारे क्या है, common gender. वन मोर एग्जाम्पल आई गिव यू, टीचर. टीचर मैस्कुलिन जेंडर के भी हो सकते हैं एंड फेमिनिन जेंडर के भी. तो टीचर इज कॉमन जेंडर. ठीक है, आगे देखेंगे अब. द वर्ड्स एक्ट्रेस पोएटिस ऑथरेस हैव नाउ गॉन आउट ऑफ यूज. द वर्ड्स एक्टर पोएट
एंड ऑथर आर नाउ सेट टू बी इन कॉमन जेंडर. तो अब वो ये बता रहे हैं कि अब ऐसा होने लग गया है. नाउ इन द न्यूअर टाइम्स एक्ट्रेस, पोएटेस, ऑथरेस, ये सारे वर्ड्स यूज़ नहीं होते. हम फेमिनिन जेंडर के इन लोगों को यूज़ नहीं करते, हम एक्टर, पोएट, ऑथर को कॉमन जेंडर के लिए यूज़ करते हैं, कि वो मेल भी हो सकते हैं एंड फीमेल्स भी हो सकते हैं. आई होप इट्स क्लियर. नाउ वी हैव एन एक्सरसाइज. वी हैव टू अंडरलाइन द कॉमन जेंडर. द फर्स्ट वन, आई हैव अ कज़न, सो कज़न विल बी योर कॉमन जेंडर बिकॉज कज़न कैन बी मेल ऑल्सो और फीमेल ऑल्सो. नेक्स्ट, थर्ड पर्सन इज अ रिलेटिव ऑफ माइन, सो रिलेटिव. ठीक है, आगे देखेंगे. शी हैज़ अ बेबी. अ बेबी एक बॉय भी हो सकता है या बेबी गर्ल भी हो सकती है. सो कॉमन जेंडर. दिस इज माई फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड. सो फ्रेंड इज कॉमन जेंडर. द चाइल्ड इज विद द टीचर, सो टीचर इज ऑल्सो कॉमन जेंडर एंड चाइल्ड इज ऑल्सो कॉमन जेंडर, बोथ. सर्वेंट्स आर वेरी ट्रबलसम, सो सर्वेंट्स इज कॉमन जेंडर. ओके, द बर्ड्स एंड द बीस्ट्स आर हियर, सो यू ऑल कैन अंडरलाइन दिस वन योर सेल्फ. And the last one also I will give you as your homework, because I also want that you to practice. So last two are your homework, rest I have made you done. Now fourth type ka hamare paas gender aata hai, kind, which is neuter gender. The noun is said to be in neuter gender if it refers to the things that are neither male nor female. Ab wo cheeze na to wo male hai na to wo female hai, hum unhe बता नहीं सकते कि वो मेल है या फीमेल है, ना हम उनको कोई जेंडर देते हैं उन चीज़ों को. बेसिकली वो नॉन लिविंग चीज़ें ही होती हैं. ठीक है, तो हम बेसिकली ये नॉन लिविंग के लिए यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम उन्हें कोई जेंडर नहीं देते हैं. ठीक है, तो न्यूटर जेंडर, यू ऑल कैन सी, वो चीज़ें होती हैं जो ना फीमेल होती हैं ना मेल, जैसे टेबल, स्वॉर्ड, पेन, ये सारी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, इन्हें हम कोई जेंडर नहीं देते. ठीक है, अब नाउन्स रेफरिंग टू लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, जो भी लाइफलेस नॉन लिविंग होते हैं वो जब हम उनको रेफर करते हैं तो वो न्यूट्रल जेंडर में रेफर होते हैं. ठीक है, आगे देखेंगे. अब नाउ यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद न्यूट्रल जेंडर. द टीचर एंटर्ड द यस क्लासरूम, सो कैन यू राइट द क्लासरूम स्पेलिंग योरसेल्फ. वी विल डिस्कस CLASSROOM. माय मदर इज कटिंग अ पेपर विद सिजर्स, सिजर्स. ओके, नेक्स्ट, He bought dash and dash from a farmer. He bought, you can fill yourself, axe, hammer, anything you can fill. So this one is your homework. You can write the names of the tools, right? Tools ke naam likhenge wo neuter gender mein aa jayenge, so you can write it. The manager of this dash is friendly. The manager of this shop or company. Anything you can write, or society, anything you can write. The dash seller was very kind. The fruit seller was very kind. Vegetable seller, the cloth seller, anything you can write which comes in neuter gender. जो भी चीज़ें neuter gender में आती हैं आप यहाँ पर fill कर सकते हैं appropriately. Baby is sitting on a chair. Yes, so chair is neuter gender. अगर हम उसके gender की बात करेंगे तो chair एक neuter gender के form में आता है. Now, F exercise, rewrite the following sentences after changing the gender. Let's do it. His mother is a poetess, his uncle is an actor. तो अब आपको जो भी genders हैं यहाँ पे चेंज करने हैं. I will say very very slowly and I want you to write with me. So now we will do the first one and in this we have to change what? The genders. हमें इसके अंदर genders change करने हैं. So her father is a poet, her aunt is an actress. समझ आ गया आपको? आगे देखते हैं नेक्स्ट वन. ओके, वी विल डू ऑल्टरनेटिव वंस एंड द रेस्ट आर योर होमवर्क. सेकेंड वन आई विल गिव यू एज योर होमवर्क. आई टेल यू द थर्ड वन. द हेड मिस्ट्रेस कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ सीनियर गर्ल्स. जेंडर चेंज्ड, समझ आ गया आपको कैसे करा मैंने. नाउ द फोर्थ वन इज अगेन योर होमवर्क. फिफ्थ वन, ही इज माई फादर्स नेफ्यू, ही इज स्टिल अ बैचलर, राइट? So you can do this yourself again. बहुत ईजी है, आपको क्या क्या चेंज करना है. फादर को चेंज करना है, मदर, ही को चेंज करना है एंड बैचलर को. सो आई वॉन्ट यू टू डू ट्राई दिस योर सेल्फ. नाउ
The king was very fond of the princess. The queen was very fond of the prince. Okay, this one is done. A bull, mare and you were roaming in the jungle. So this one I want you to find out yourself. This is your homework again. Next, the priest blessed the prince. The priestess blessed the princess. Easy. The wizard transformed the little boy into a peacock. This one also you can do yourself. You have to change wizard to witch, right? Boy to girl and peacock to peahen. You can free frame the answer yourself. The duke called the young man into his office, right? This one also is your homework. I want you to try yourself. Because now, अब आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि हम किस तरीके से genders को change करेंगे और क्या क्या rules लगाएंगे, right? So, yes. Okay, so now let's start with the G exercise. The first one is masculine, feminine, common and neuter. This box is given to you. You have to fill the different types of genders from the box. आपको इस box से genders को fill करना है columns के अंदर. Masculine में आप क्या क्या fill कर सकते हैं? Dog, master, rest. आपको खुद try करना है. Feminine में bride, mistress. Common, teacher, neighbor. Right? Neuter, table, coin. And the last four, I want कि आप हर category के लिए खुद fill करें. From the box, it's very easy. You just have to see which word is for what gender. Okay? So I hope it's clear. Right. So that's it for this video. I hope आपको ये chapter अच्छे से समझ आया होगा. Thank you so much for watching. I will meet you in the next video now. Till then, goodbye and take care.